पिछले क्लास में हमने ये इक्वेशन पढ़ा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, h लाइन कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, और ये हमने ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये फोटोइलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन। अगर हम इसको और लिखना चाहें सॉल्व करके तो हम लिख सकते हैं hc / लैम्डा e माइनस पाई बाई। अगर हम ग्राफ खींचे, यहाँ पे ग्राफ बिटवीन बिटवीन वन बाई लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ बिटवीन वन बाई लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम ग्राफ किस किसके बीच में खींचना चाहते हैं, हम इस इक्वेशन को और अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं। एच सी बाई ई वन बाई लैम्डा माइनस फाइव बाई ई। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वन बाई लैम्डा। ये इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, y is equal to mx plus c, x एक्सिस पे अगर मैं ये ले लूं और y पे मैं ये ले लूं m, that is slope of the line, और c जो इंटरसेक्शन आप बोलते हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस क्वांटिटी, सो ग्राफ लेटर इसमें x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पे क्या 1 बाय लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड y इज स्टॉपिंग पोटेंशियल v0। वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस क्वांटिटी। तो आपने एक नाइन्थ क्लास में ऐसे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपने काफी खींचे होंगे। हम कैसे खींचते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, ऐसे हमने टेबल बना ली, आपको याद है तो यहाँ पे हम एक्स लिखते थे, यहाँ पे वाई लिखते थे, और हम तीन पॉइंट निकालते। मान लिया कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, हम x की जगह यहाँ पे ले रहे हैं वन बाई लैम्डा और y की जगह ले रहे हैं v। वन बाई लैम्डा की जगह अगर मैं जीरो रख दूं, वन बाई लैम्डा की जगह अगर मैं जीरो रख दूं तो ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी, तो v नॉट का वैल्यू क्या आ गया माइनस फाइव बाई e। आप समझ रहे हो, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ, वन बाई लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो होगी तो v नॉट की वैल्यू क्या होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, मान लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को जीरो, एक बार x को जीरो रखते हैं, एक बार y, इसको जीरो रखते हैं तो 1 by lambda की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसको जीरो रख दोगे तो ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, e से e कैंसिल हो जाएगा और 1 by lambda की वैल्यू आ जाएगी 5 by hc। इसका वैल्यू जीरो रखोगे, इसको इस तरफ लेके आओगे, e से e कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फाइव रहेगा तो नीचे hc हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू आपको पता चलेगी, अगर इस ग्राफ में ये दो वैल्यू आपको दिखानी है तो कैसे दिखाएं, वन बाई लैम्डा जीरो है, जीरो है तो वो कहां जीरो है, इस y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू कितनी है फाइव बाई hc, माइनस, तो माइनस में अगर y माइनस में है तो मान लीजिए कि ये कोई वैल्यू होगी, ये पॉइंट होगा जहां पे 1 by lambda की वैल्यू कितनी है जीरो और माइनस 5 by e, ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू यही तो होगी, यहां कहीं होगी, मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं ये वैल्यू कहीं, इस ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं 5 by e। अगर आगे बात करें हम दूसरा पॉइंट की,
तो V नॉट जीरो है, V नॉट जीरो है, एक तो पॉइंट ये होगा, एक ये वाला पॉइंट है, फाइव बाई एच सी, वन बाई लैम्डा की वैल्यू यहां कहीं होगी, मान लिया फाइव बाई एच सी, फाइव बाई एच सी, और y की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये यहां कोई, अरे y की वैल्यू यहां कहीं जीरो है और x की वैल्यू यहां कहीं, तो ये कोई पॉइंट हो गई। और अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये तो हम पहले ही शो कर चुके हैं, तो इनसे ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वन बाई लैम्डा एंड स्लोपिंग पोटेंशियल, ऐसा कुछ बना। आपके पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या, थीटा इज, थीटा क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, लेट दिस बी थीटा, दिस बी थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, देन व्हाट इज द रेशियो, रेशियो, रेशियो फॉर टेन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस है कितनी, यहां से लेके यहां तक ये फाइव बाई ई तो है, और बेस की बात करेंगे तो ये क्या है, फाइव बाई एच सी, ये है फाइव बाई ई, और ये क्या है, फाइव बाई एच सी, तो परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है, अगर आप इसको फॉल करेंगे तो फाइव बाई ई परपेंडिकुलर बाई फाइव बाई एच सी, और फाइव से फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल, then tan theta is equal to क्या हो जाएगा आपका hc by e, this is the slope of this line, slope of this line m is equal to hc by e, अरे ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखो ये स्लोप भी तो है, लाइन का स्लोप m होता है, तो ये क्या होता है hc by c, अगर आप hc by e और यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे तब भी कितना, वही तो आएगा hc by e, slope of this line is hc by E, और आपसे ये एंगल पूछा जाए तो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे इसको, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता, और इस इक्वेशन को बड़ा ध्यान से देखें अगर तो H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, E कांस्टेंट, किसी भी मेटल के लिए phi भी कांस्टेंट, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है लेकिन कांस्टेंट, आयरन के लिए तो अलग मतलब है कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अगर हम बात करें स्लोपिंग पोटेंशियल की, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन वेवलेंथ, तो हम यहां से लिख सकते हैं एक लाइन, स्लोपिंग पोटेंशियल इज ओनली डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light, not depend on intensity, intensity I, what is that, intensity, sorry, intensity, intensity, stopping potential is only depend on wavelength of light, not depend on इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर, और ये लाइन आप याद, हम एक और ग्राफ में इस चीज के बारे में बात करेंगे, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ओनली डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, क्लियर।